केंद्र में मोदी सरकार 2.0 30 मई को एक साल पूरा कर लेगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई जश्न का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन पार्टी वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया है, जिसकी तैयारी पार्टी ने तेज कर दी है। वहीं पार्टी की तैयारियों को लेकर पार्टी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश में वर्चुअल माध्यम से दिखाया जाएगा। माननीय जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे सभी माननीय सांसद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण आज बैठक की है। और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्र सरकार के एक साल पूरे होने पे पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां की जाएंगी।